जय मसीह की दोस्तों, यीशु के गीत में एक बार फिर आपका स्वागत है। यीशु के गीत के इस एपिसोड में हम लेकर के आए हैं ये छोटा सा प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं बोंगो। दोस्तों, बोंगो पे आज जो गीत हम आपको सिखाएंगे वो है 4/4 के रिदम वाला नीले आसमां के पार जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आइए दोस्तों, सीखते हैं इस गीत को। तो आइए दोस्तों, ये है छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बोंगो और हम जो गाना सीखने जा रहे हैं नीले आसमां के पार जाएंगे। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा इसके अंदर। बोंगो के अंदर ये जो दो पीस आप देख रहे हैं, एक होता है लगभग 7 इंच का, एक कहीं 6 इंच का और कहीं 5 इंच का। ये जो छोटा और बड़ा है ये अलग अलग आवाज़ होती है इसकी, अलग अलग इसकी टोन होती है। टोन कैसे निकालनी है, कई लोग जो हैं जैसे छोटे बच्चे ऐसे 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 करके बजाते हैं तो इससे फट 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 साउंड होती है। लेकिन आप इसी के अंदर अगर देखिए फिंगर का इस्तेमाल करेंगे और वो भी किस तरीके से मार के टक, और अब इसके अंदर एक आस और एक टोन और एक रिवर्ब हल्का सा डिले आपको सुनाई देने लगता है। टंग टंग टंग, नहीं तो टक टक टक। तो अगर आप मार के करते हैं तो टक टक आती है, नहीं तो टन टन की आवाज आती है। तो हमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो टोन चाहिए होती है वो टोन लेने के लिए हमें फिंगर की प्रैक्टिस करनी होती है। तो जब आपके पास बोंगो आता है तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो सबसे पहले आवाज निकालने की करनी है कि आवाज इसमें कैसे निकालनी है। तो जब आप इसके किनारे पे मारेंगे, कोशिश करिएगा जब आप बोंगो खरीदने जाते हैं, वैसे तो 350 रुपये से शुरू हो जाता है ये, 500 रुपये 400 रुपये, उसकी जो किनारियां हैं और जो पेच के ये आप देख रहे हैं वुड्स, ये ज़्यादा ऊपर उठे हुए ना हो वरना आपको इंजरी करेंगे और आपको यहाँ से नुकसान भी हो सकता है, उंगली में कट भी सकती है। तो ये थोड़ा नीचे की तरफ हो जब आप लेने जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब जब इसको देखिए मैं बजा रहा हूं तो ये मुझे ये चुभ नहीं रहा है, तो इसको बिल्कुल ये जो किनारी है यहां पर इसको इस तरह से बजाना है। तो ये जो मेरी टोन है टन 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 टन, इस टोन की जब मैं प्रैक्टिस बहुत सारी कर लेता हूं तो यही टोन मेरे को यहां प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने राइट हैंड की फिंगर से प्रैक्टिस करी, लेफ्ट हैंड से भी मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करूंगा। और जो इसके काउंट हैं वो जो मेरे काउंट चलेंगे वो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, यानी कि 5 और 3, यानी कितने हुए 5 6 7 8। तो जो रिदम मैंने आपको बताई क्या है 4/4, यानी कि 8 1 2 3 4 5, ये हमें 5 लेने हैं 1 2 3 4 5। और इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट राइट लेफ्ट यानी 6 7 8। अब जो मैंने लेफ्ट राइट लेफ्ट आपको बताया इसका चलन देखिए, पहले ये राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, इजी है। यानी फिर देखिए राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 1 2 3 4 5, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और फिर यहां आकर के लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, यानी कि अब देखिए मैं आपको इकट्ठा दिखाता हूं, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, कितने हुए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों फैमिलीज में से इसके ऊपर तो 5 हैं और इसके ऊपर 3 हैं। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, अरे तो रिदम बच गई, वाह टा 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 टा, वाह थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते, वेरी गुड। तो ये तो चला आने लगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे शैनन से कि वो नीले आसमां के पार गाए और हम इसके ऊपर बजा के देखते हैं कैसा बजता है। तो शैनन प्लीज गाइएगा 1 2 3। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। बढ़िया लगा, वेरी गुड। क्या करा मैंने, वो जो बेसिक चाबी थी इसकी वो क्या थी, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट,
बस यही प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे अपने आप स्पीड इसमें बनती जाती है, बिल्कुल ट्रेन की तरह, एकदम जो ट्रेन है 80 की स्पीड पे नहीं आती है, धीरे धीरे 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे ही आपको जब आप इसकी चाल पकड़ लेंगे तब फिर आप इसको बजाने के हो जाते हैं। एक चीज़ और आपको बताए तो इसमें कई बार जो है रोल्स भी खेले जाते हैं, तो इसमें बड़े अच्छे लगते हैं रोल। उसमें क्या होता है, हम वैसे तो जब बचपन में हम इसको सीखते थे तो कहते थे छुपा के रोल, ऐसे ऐसे छुपा दो, तो जैसे ही आप इसको इस तरह से छुपाते हैं, जो इसका ओक बना देते हैं हम, ओक के अंदर देखिए इसकी आवाज बदल जाती है, तो इसके ऊपर आप ऐसे हाथ फेरिएगा, ऐसे, तो जब आप इस पे ऐसे हाथ फेरते हैं तो इसकी टोन बदलती है। फिर दिखाता हूं आपको, तो कोई भी गीत अगर आपको शुरू करना तो आप इसे शुरू कर सकते हैं, इसे बीच में भी लगा सकते हैं रोल का, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको आपने कैसे, और गाने से पहले फिर आपकी रिदम आगे चल पड़ती है, हो गई पूरी, सीख पाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये ट्यूटोरियल आपको, उम्मीद है आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और इसको लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर @yeshukegeet पे, और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं yeshukegeet.com, जहां पर आपको मिलेंगे इन्हीं गानों के लिरिक्स, गानों के नोट्स, गानों के कॉर्ड्स। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।